मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन शुरू करें। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज एक बहुत लंबे परिश्रमी सफल और विजयी चुनाव अभियान की समाप्ति पर चुनाव अभियान की कुछ बातें बताने के लिए आप सबको निमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हम सब के लिए आनंद दोनों का विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से पार्टी के प्रेस रूम में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चुनाव अभियान आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला और सबसे बड़ा और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है। इस चुनाव में हमारा जो अनुभव आया है उसमें जनता हमसे आगे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मोदी सरकार फिर से बनाने के लिए जनता का उत्साह और जनता का उमंग और जनता का परिश्रम भी हम सबसे आगे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से एक संगठनात्मक आधार पर काम करने वाली पार्टी रही। राजनीति के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार बनने के बाद सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना हो, कामों को नीचे तक पहुंचाना हो, संगठन हमारे सभी कामों का एक प्रमुख अंग रहा है। 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी का भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार बना और देश की जनता ने एक प्रयोग किया था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रयोग को नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट के नाम से चर्चा में लेते हैं और उसी वक्त से पार्टी ने तय किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है इसके साथ ये प्रयोग विफल न हो इसके लिए भी पार्टी पूरी चिंता करेगी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चलेगी वो भी जनता की सभी आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में काम करेगी। और मुझे आज 5 साल समाप्त होने को आए हैं, मुझे आनंद है कि नरेंद्र मोदी प्रयोग को जनता ने स्वीकारा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फिर से गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। हमारा लगभग 10,35,000 बूथ में से 8,63,000 बूथों की रचना ये 5 साल में हमने समाप्त की है। 1,60,064 शक्ति केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें से लगभग 1,52,000 शक्ति केंद्रों पर हमारी रचना पूरी हुई है। और इस संगठन के आधार पर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कामों को किया उसको नीचे तक पहुंचाने का कंटिन्यूअस प्रयास किया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हर 15 दिन में एक नई योजना लाकर लगभग 133 योजनाएं
देश के हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं, हर वर्ग के जीवन स्तर को उठाने वाली योजनाएं नीचे तक पहुंचे, इसका प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय ये योजनाओं के क्रियान्वयन को देखता था। देश के गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, गांव, शहर, समाज के हर वर्ग को 133 योजनाओं ने छुआ है। और 133 योजनाओं के आधार पर देश के अंदर एक नई चेतना की जागृति हुई। 2014 में एक ऐसा माहौल बना था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश का कल्याण कर सकता है क्या, देश को आगे ले जा सकता है क्या, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न देश की जनता के मन में था। आज देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास को दृढ़ कर कर ये मानती है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो देश को आगे ले जा सकता है। इसके पीछे 133 योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बूथ और शक्ति केंद्र की रचना करने के साथ साथ लगभग लगभग जितने भी चुनाव आए इसमें बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की थी। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज हमारे पास 16 सरकारें हैं। लगभग एक समय पर देश में 19 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी। और इसका मुख्य कारण है कि 50 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा सफल प्रयास किया और उनके जीवन स्तर को उठाया है। घर, बिजली, गैस, शौचालय, ये सहारा पहुंचाकर उनको ये एहसास दिलाया है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी है, देश का विकास ये 50 करोड़ गरीबों के लिए भी है। देश के सम्मान को बहुत ऊपर तक बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में आज भारत को एक शक्ति के नाते स्वीकृति ये 5 साल में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन में देश की सुरक्षा के लिए किंचित मात्र असुरक्षा का भाव नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। हर क्षेत्र का विकास, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सफलतापूर्वक हमने की है। दलित, आदिवासी और महिलाओं के लिए भी ढेर सारी योजनाएं और उनको एम्पावरमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई और एक इस सभी वर्गों के अंदर नया आत्मविश्वास भरने का काम किया है। अर्थतंत्र को दुनिया में सबसे गतिशील अर्थतंत्र 5 साल बनाए रखा। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जहां विपक्ष की ओर से महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद देश की जनता ने कैसे चुनाव अभियान का अनुभव किया है जिसमें विपक्ष की ओर के महंगाई का मुद्दा नहीं उठा, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा और एक प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 6ठे नंबर पर, 6ठे पायदान पर लाने का काम ये 5 साल में हुआ है। और इसके कारण जनता में एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ी हुई थी। हमने जनवरी 16 से ही हमारे प्रचार अभियान का शुरुआत किया था। सबसे पहले देश भर में बूथ सम्मेलन कर क्लस्टर सम्मेलन कर हमने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया था और लगभग लगभग 150 से ज़्यादा क्लस्टर सम्मेलन हमने करे थे। हमने राष्ट्रीय स्तर पर 18 समितियों की रचना करी थी जिसमें श्री राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी अलग अलग समितियों का नेतृत्व करते थे और वो समितियों के तत्वाधान में ये समितियां लोकसभा तक नीचे बनी। प्रदेश की लगभग 29 लोकसभा चुनाव समितियां बनी जिसमें कुल 435 हमारे वरिष्ठ नेता थे। लोकसभा चुनाव संचालन समितियां 482 बनी
जिसमें 7230 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। 120 लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी उसको भी हमने 3 साल से लक्ष्य बनाकर काम किया था। मुझे आज कहते हुए आनंद है कि परिणाम आएंगे तब आप इसको देख लेना। 120 में से हम 80 लोकसभा क्षेत्र लड़े हैं, बहुत अच्छी सफलता हमें मिलेगी इसका मुझे आशा है। कुल 13 प्रदेशों में 25 क्लस्टर बनाए गए, 120 लोकसभा सीटें थी और 25 हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये क्लस्टर को ताकत देने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दौरे किए थे। हमारे लगभग 3000 फुल टाइमर दो साल से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र पर काम करे। शायद ही कोई ऐसा अभियान होगा जिसमें स्वयंसेवी 3000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता कोई वेतन लिए बगैर पार्टी के लिए 2 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा क्षेत्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी के बूथों की रचना और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल कराने के लिए आगे बढ़े। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है और 2566 विधानसभाओं में हमारे फुल टाइमर रहे हैं। इसके बाद में हमने ढेर सारे संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम लिए थे। विस्तारक योजना, मैंने कहा विस्तारक योजना ली, शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलनों की योजना ली, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सभी बूथों के अंदर बात कर विश्व विक्रम स्थापित हो इतने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करी थी। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हमारे लगभग 472 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हुए, युवा सम्मेलन 480 लोकसभा क्षेत्र में हुए, संगठन संवाद अलग अलग स्तर पर हुआ, मेरा परिवार भाजपा परिवार इसके तहत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को आइडेंटिफाई करते हुए झंडा और स्टिकर लगाने का काम करा। देश भर में लगभग 3800 विधानसभाओं में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई, 22 करोड़ लाभार्थियों के घर में एक ही दिन दीप जलाकर कमल ज्योति संकल्प लेकर कमल दीपावली का कार्यक्रम किया गया। मैं भी चौकीदार हूँ अभियान जो दरअसल जनता में से ही उभर कर आया था, वो मैं भी चौकीदार हूँ अभियान भी देश भर के अंदर चला और भारत के मन की बात के द्वारा हमारे चुनाव संकल्प पत्र को बनाने के लिए हमने बहुत सारे सुझाव इकट्ठा किए और इसमें से बहुत सारे सुझावों को लेते हुए हमारे संकल्प पत्र को हमने फाइनल स्वरूप दिया था। देश भर में हमने 161 कॉल सेंटर बनाए गए, 161 कॉल सेंटरों ने 6 महीने तक काम किया और 15,682 कॉलर्स, जिसमें से अधिकांश हमारे कार्यकर्ता थे, ये देश भर में बैठकर दो लोकसभा क्षेत्रों के बीच में एक इस प्रकार से कॉल सेंटर बने। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा क्लस्टर बनाया था और ये 15,682 कॉलर ने लगभग 24,81,00,000 लाभार्थियों के संपर्क करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ा अभियान है, 6 महीने में चला है। 24,81,00,000 लाभार्थी हमारी 16 राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के मिलाकर हमने करे हैं। इसके आधार पर एक बहुत बड़ा जनसंपर्क लाभार्थियों का हमने करने का काम किया। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात रही कि नरेंद्र मोदी सरकार के किए गए काम और प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों का जो लगाव है, इसके कारण प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण ढेर सारे वॉलंटियर्स हमें प्राप्त हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए और प्रधानमंत्री जी फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए काम करने वाले करोड़ों लोगों को मैंने इस चुनाव में देखा है, नमो ऐप के माध्यम से, नमो मर्चेंटाइल्स के माध्यम से और माइक्रो डोनेशन के माध्यम से हमारे चुनाव अभियान को ढेर सारे वॉलंटियर्स ने गति दी। मैं भी चौकीदार अभियान, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, किसान हो,
मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो या जर्नलिस्ट भी हो, सभी प्रकार के लोगों ने, मैं भी चौकीदार हूँ अभियान के साथ, अपने आप को संबंध पाया। फिर एक बार मोदी सरकार, ये अभियान भी लोगों में से ही उठा, नारा भी वॉलंटियर्स ने ही बनाया, आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे नारे इस बार हमारी पार्टी ने नहीं दिए, ये सारे नारे वॉलंटियर्स ने दिए, पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया और जनता ने स्वीकारा। मैंने चुनाव अभियान में लंबे समय तक देश का दौरा किया है, जब फिर एक बार मोदी सरकार का नारा हम शुरू में लगाते थे मार्च में, तो फिर एक बार बोलते ही सामने से मोदी सरकार का जवाब आता था। अंतिम चार दिनों के चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बदल कर जनता ने ही बार बार मोदी सरकार का नारा बना दिया। फिर एक बार मोदी सरकार माइक में बुलाते थे तो लोग सामने से बार बार मोदी सरकार नारा बुलाते थे। मित्रों, इसके साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया है, इसकी भी मैं थोड़ी डिटेल देना चाहता हूं, और मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। देश की आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान है, इसका कोई भी स्टडी कर सकता है। हम स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा परिश्रमी चुनाव अभियान, सबसे ज़्यादा विस्तृत चुनाव अभियान और सबसे ज़्यादा जनता को संपर्क करने वाला चुनाव अभियान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लोकतंत्र का एक महोत्सव मानती है, सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री ने, शायद ही देश का कोई ऐसा कोना रहा होगा जिसके अंदर फरवरी से लेकर मई तक दौरा नहीं किया होगा। फरवरी से लेकर मई तक के चुनाव अभियान के अंदर ढेर सारी जगहों पे कार्यक्रम हुए। चुनाव की घोषणा के बाद अभियान की शुरुआत की बात करें तो 28 मार्च 2019 से मेरठ से उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की और कुल 142 जनसभाओं को मोदी जी ने संबोधित किया है, 4 रोड शो किए हैं और इन जनसभाओं में कंजर्वेटिव अनुमानित संख्या 1,50,00,000 से ज़्यादा लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सीधा संपर्क स्थापित किया था। लगभग 10,000 से ज़्यादा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे मोदी जी ने संवाद कर चुनाव के कामकाज का जायजा लिया है और ढेर सारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चुनाव अभियान की व्यस्तता में भी नीचे जो उनके लिए पेंडाल बनता है सभा के पीछे, वहाँ मुलाकात की है। आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या दिव्यांगों को जिनको सहायता मिली है, ये सारे दिव्यांगों के साथ बातचीत करना हो, ऐसे लगभग 7,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया है और योजना नीचे तक पहुंची नहीं पहुंची इसकी पृच्छा भी करी है। लगभग एक दिन में कई बार 5 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। 1,05,000 किलोमीटर यात्रा देश भर में की है। 3 दिन ऐसे हैं जिसमें 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है। अधिकांश जनसभाएं 40 डिग्री से 45 डिग्री के तापमान में संपन्न हुई। उच्चतम रैली का स्थान रुद्रपुर उत्तराखंड में रहा। सबसे गर्म 46 डिग्री टेम्परेचर में इटारसी मध्य प्रदेश में हुई और सबसे ठंडा 18 डिग्री टेम्परेचर एलो अरुणाचल में सभा हुई। एक दृष्टि से ये ऐसा अभियान था जिसमें 80 डिग्री से 46 डिग्री तक टेम्परेचर के अंदर प्रधानमंत्री जी अभियान चलाते रहे, मगर सब जगह चुनावी गर्मी 50 डिग्री से ज़्यादा ही थी, जनता के अंदर चुनावी गर्मी ज़्यादा थी। लगभग कई प्रकार के कार्यक्रमों करते हुए मोदी जी ने एक विस्तृत जनसंपर्क अभियान चलाया है।
जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा भी लगभग लगभग कुल मिलाकर 312 लोकसभा पर जाना हुआ। जनवरी से लेकर मई तक 161 जनसभाएं चुनाव की घोषणा के बाद हुई, 18 रोड शो हुए। लगभग किलोमीटर की बात करें तो 158,000 किलोमीटर का मेरा दौरा हुआ है। ढेर सारे हमारे नेताओं ने भी सभाओं को संबोधित किया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की 1500 से ज़्यादा सभाएं देश भर में हुई हैं और प्रदेश स्तर के नेताओं की 3800 से ज़्यादा सभाएं हुई है। 3800 विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा में 4 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए, 3800 असेंबली में 4 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत परिश्रम किया है। श्री योगी आदित्यनाथ ने 135 सभाएं करी हैं, 91 सभा देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, 86 सभा विजय रूपाणी जी ने किया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 58 सभाओं का दौरा किया है और जयराम ठाकुर जी ने कुल देश में 106 सभाओं को किया है। प्रचार प्रसार और बाकी सब दृष्टि से ये हमारा चुनाव अभियान, मैं मानता हूँ, सुनियोजित और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो संस्कार के हिसाब से संगठन के माध्यम से ये चुनाव अभियान को हम नीचे तक ले गए हैं। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक और हमारे फीडबैक के आधार पर मैंने 2 दिन भी पहले भी आप लोगों को बताया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है, मगर मैं फिर से एक बार आज रिपीट करना चाहूँगा कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम 300 से ज़्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव अभियान के अंदर मोदी जी ने ढेर सारे साक्षात्कार भी किए हैं, ढेर सारे प्रिंट मीडिया को भी इंटरव्यू दिए हैं और एक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंपर्क प्रधानमंत्री जी ने किया हो ऐसा चुनाव अभियान अब कुछ क्षण में ये प्रेस वार्ता की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएगा। तो उस वक्त आप सब भारतीय जनता पार्टी की बीट के पत्रकार भाइयों बहनों के साथ हम अपनी संतोष और खुशी दोनों शेयर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं हम सब की ओर से प्रधानमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि हम सब से बात करें।